जय हिंद प्यारा बच्चों, हिंदी अध्यापिका सीमा सिंधवानी की ओर से यही संदेश। आप सभी अपने परिवार के संग खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज का हिंदी का विषय है संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण अब आप देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं? व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, अकबर, भगत सिंह आदि, ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं। देशों के नाम भारत, अमेरिका, रूस, नेपाल, ब्रिटेन, इटली आदि, ये किसी विशेष स्थान और देशों के नाम का बोध करा रहे हैं। नदियों के नाम नील नदी, अमेजन नदी, गंगा, कावेरी, गोदावरी आदि। पुस्तकों के नाम बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण आदि। उपरोक्त ये सभी नाम किसी विशेष नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि अब आप सभी जान गए हैं, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, इसमें नदी का विशेष नाम ना लेकर केवल नदी कहा गया है। लड़की, बच्चा, औरत, पुरुष, भोजन, किताब, कलम आदि, इसमें जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का विशेष नाम नहीं लिया गया है, केवल उसकी जाति और वर्ग का बोध कराया गया है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो और उदाहरण भी मानते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गेहूं पीसा जा रहा है, सोना बहुत महंगा हो गया है। गेहूं और सोना शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया, सभा को संबोधित किया, सभा अर्थात समूह को संबोधित किया। प्रस्तुत उदाहरण में सभा शब्द समूह का बोध करा रहा है, यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कुछ अन्य समूहवाचक संज्ञाएं जैसे झुंड, मंडल, दल, गिरोह, संघ, सेना, परिवार, टोली, सभा, समाज आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, ढेर, दल, बेड़ा आदि, ये शब्द भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष
भाव स्थिति देश का ज्ञान हो, दशा का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ भाववाचक संज्ञाएं जैसे गुण दोष के अंतर्गत आती हैं, सरलता, अच्छाई, बुराई, बेईमानी आदि। ये सभी भाव मनुष्य के अंदर विराजमान होते हैं, इसे देखा नहीं जा सकता, ना ही स्पर्श किया जा सकता है। ये मनुष्य के भाव मनुष्य के अंदर ही विराजमान होते हैं। धर्म, सौंदर्य, हरियाली, ठंडाई, सत्य, अवस्था जैसे बुढ़ापा, अमीरी, यौवन, गरीबी और भावों के अंतर्गत थकान, प्रेम, अहिंसा आदि, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? जैसे आप जानोगे कि भाववाचक संज्ञा चार प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा, इसकी भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होगा बचपन। मनुष्य, मनुष्यता। दानव, दानवता। प्रभु, प्रभुता। नंबर दो, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। सर्वनाम शब्द है अपना और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। स्व, स्वत्व। निज, निजतव। मम, ममता। नंबर तीन है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्द है जैसे सुंदर, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता। मीठा, मिठास। मूर्ख, मूर्खता। मधुर, मधुरता। बुरा, बुराई। लघु, लघुता। अब है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया शब्द है सजना, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा सजावट। उड़ना, उड़ान। चढ़ना, चढ़ाई। लिखना, लिखाई। धोना, धुलाई। ये था आज का विषय संज्ञा। और प्रस्तुत पाठ संज्ञा के मुख्य प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है संज्ञा के मुख्य रूप से कौन कौन से भेद हैं, उसकी परिभाषा व उदाहरण लिखिए।